हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्रीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल दलिया, जो बहुत ही डिलीशियस लगता है और हेल्दी भी है, और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें हम तेल गरम करते हुए उसमें प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे और उसको 1 से 2 मिनट के लिए हम टॉस कर लेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। और जब ये अच्छे से टॉस हो जाएगा फिर हम डालेंगे इसमें हमारी कटी हुई गाजर और शिमला मिर्ची और इसको हम मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से मटर और हम मटर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लिड से कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। आप लिड को रिमूव करिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें हमारा कटा हुआ टमाटर और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। पहले हम डालेंगे इसमें नमक, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर, हमारा धनिया पाउडर, और फिर हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही डिलीशियस लगता है दही के साथ। अब हम इसमें डालेंगे हमारा दलिया और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मिक्स हो जाएगा। फिर हम इस पर डालेंगे पानी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको हम लिड से कवर करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस ताकि इसका थोड़ा फ्लेवर और अच्छा आए। इसको हम मिक्स करेंगे और हमारा दलिया अब रेडी है। अब इसको गार्निश करिए धनिया पत्ते के साथ एंड दही के साथ सर्व करिए। इंजॉय। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी एंड फॉरगेट नॉट टू फॉलो अस। थैंक यू।